का प्रेरणा पाते, बढ़ती जनसंख्या चिंता का कारण, आज का जो हमारे भारतवर्ष के अंदर पॉल्यूशन, हमारा पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है। हम 130 करोड़ तो कहने को हैं, लेकिन 150 करोड़ से कम नहीं है। इतने बड़े देश के अंदर देखिए कि जमीन उतना ही है, पानी उतना ही है, वायुमंडल उतना ही है, लेकिन मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो खाने को, पीने को, रहने को और स्वास्थ्य को, शिक्षा को कहाँ स्थान मिलेगा? और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पर जो है वह सारी सुविधाओं कहाँ से मुहैया नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था नहीं बैठ सकती। आजकल सरकार कोई भी पंचवर्षीय योजना बनाती है तो वो तो 2 साल के अंदर पूरी हो जाती, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और ये जनसंख्या के बढ़ने का रेशियो बहुत, इसको रोका जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज भारत जो है विश्व का चीन के बाद में दूसरे नंबर का जनसंख्या का वाला है। तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो व्यवस्थाएं कैसे होगी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था होना संभव नहीं है। और भीड़ इतनी हो जाएगी गांवों में, शहरों में, सड़कों में, अस्पताल में, कॉलेज में, तो हम किस तरीके से व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था तो लिमिटेड लोगों की होती है। अगर हमारे घर में 5 सदस्य और 15 सदस्य दूसरे बाहर से आ जावे, तो घर में लिमिटेड जगह हो, घर में लिमिटेड साधन हो, तो उनका हम एडजस्टमेंट कैसे कर पाएंगे? और तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो आज हिंदुस्तान में भी बड़ी अव्यवस्था हो रही है। चारों तरफ जहाँ देखो, नज़र दौड़ाओ, भीड़ ही भीड़ है। यानी हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो व्यवस्था पक्ष बहुत भारी हो गया है, बीमारियां बढ़ने लगी।